घुमंतु जीवन यापन करती रही घुमंतु जातियों को शताब्दियों की करवट का एहसास भले ही नहीं हुआ, लेकिन पिछले दशक में बदलाव की तेजी ने समस्त विश्व में परिवर्तन के नए समीकरण गढ़ दिए हैं। पिछली कई शताब्दियों से समय और दौर चाहे जो भी रहा, घुमक्कड़ जातियों की जीवन शैली अपने चिर परिचित अंदाज में ही जीवंत रही। पहले ऐसे ही डेरे लगे, फिर इसे आज यहाँ है, कल वहाँ है, फिर सुबह है, नो फिरते। इन द नोमैडिक कम्युनिटीज हु आर ट्रैवलिंग वेयर एन आर इन अ डिसएडवांटेज पोजीशन बिकॉज यू डोंट हैव एन एड्रेस। इफ यू डोंट हैव एन परमानेंट एड्रेस देन यू आर नॉट काउंटेड, एंड इफ यू आर नॉट काउंटेड एज अ सिटीजन देन यू डोंट एग्जिस्ट एज अ सिटीजन। ये गाँव से वो गाँव घूमते हैं, उनके वोटर्स लिस्ट में उनका नाम नहीं है, रेशन कार्ड नहीं मिलता है, बीपीएल की जो लिस्ट है दारिद्र्य रेशे के नीचे रहने वाले लोगों उनमें उनका नाम नहीं आता है। ये जैसा घुमंतुपन कारण है, उससे उनका अज्ञान भी कारण है। उस टाइम तो मैंने पता नहीं था 109 है कि 106 है, क्या है वो। किसी का ऐसा है कि भाई किसी रात को किसी को आदमी को पकड़ लेता है तो उसको बंद कर देता, उसको 109 होती है। उस टाइम हमें पता ही नहीं था वो 109 है कि 106 होती है, 110 होती है। फिर वैसे उसमें डोलने फिरने उस जंगल खाली रहा नहीं, मुलतल मुलतनी के टाइम पीछे औलाद हुई तो उस देख लिया कि भाई कोई मजाली बात नहीं, तो बैठ गया जगह जगह डेरा उठा के ला के। हमने ये मौका देख के प्रतिपरा जंगल में हमने डेरा डाल दिया। अपने आप को प्रकृति की संतान समझती आई घुमंतु जातियों ने समाज और प्रशासन से टक्कर ले यह नारा बुलंद करते हुए कि जो जमीन सरकारी है वह जमीन हमारी है, यह कहकर अरावली की इन तलहटियों में अपनी ढानियां बसाई। कोई पूछेगा तो ये क्या है? पहचान पत्र है। और पहचान पत्र क्यों है? क्योंकि इससे हमारी पहचान है। संवैधानिक अधिकारों के दायरे से बाहर रहे घुमंतुओं को विगत 15 वर्षों से अरावली की तलहटी में बसाने और पहचान दिलाने की प्रक्रिया ने 50,000 से भी अधिक घुमंतुओं तक पहुंच बना सफलता के जो मापदंड तय किए उसके पीछे रहा घुमंतुओं का जीवन ज्ञान से अक्षर ज्ञान तक धीमा सघन और गहरा सफर। घुमंतुओं की पाठशालाओं में जहां मामराज बंजारे जैसे लोग पढ़ रहे थे, महिलाएं मत देने से मत लेने की तैयारी में थीं, वहीं घुमंतु पाठशालाओं द्वारा शिक्षा का दायरा विस्तृत करने के प्रयास हो रहे थे, जिसमें दो बड़ी समस्याएं आईं। एक तो यह कि टांडों तक शिक्षकों को पहुंचाने की कोशिशें विफल रहीं। वहां जो आगे वाला डेरा है वो भी यहां नहीं आना चाह रहा है। दोनों मैंने जो मैं गई हूँ दोनों के, मेरे को मालूम है इनकी जगह अच्छी नहीं है, काफी ऊपर था, बच्चे नहीं आना चाहिए। एक तो इंटरेस्ट नहीं है इनको, क्योंकि इनमें ये है ना कि हम तो व्यापार करेंगे। हमें कहते हैं ना मैडम आप क्या लेती हो पेमेंट, हम तो उससे ज्यादा पेमेंट ले लेंगे। और बच्चे में शुरू में यदि पैसे कमाने का आ जाए तो बच्चा कभी नहीं पढ़ता। और दूसरा, दुर्गम रास्तों के चलते कुछ टांडों में तो मामराज का पहुंचना भी मुमकिन नहीं था। अनेकों बार उन्हें शिक्षित करने की तैयारी के साथ जब मामराज ने उनके दुर्गम टांडों तक पहुंचने की हिम्मत की भी तो वीरान पड़े टांडों में कुत्तों और बच्चों ने उनका स्वागत किया। जहां जहां मैं जाता हूं कहीं लोग मिलते नहीं है, कहीं कुत्ते खाने को पड़ते हैं, लेकिन धीरे धीरे साहब जगाना टाइम लगेगा इस थोड़ा जगाने में इसको। तो मैं हर ढाणी में जाता हूँ, जिस ढाणी में जाता हूँ तो
कहीं वो बच्चे नहीं मिलते, कहीं बच्चे का माँ बाप नहीं मिलते, और मिलते क्यों बात नहीं रहती ना, वही घुमकड़ वाली बात है ना। अभी बात तो धीरे धीरे समझ आओगी उसके, किसी का घर सुना मिलता है, कोई बाजार में चल जाए, कोई छेड़ी बकरी में चल जाता है, साहब मैं जाके फिर वापस आ जाता हूँ। अजीब असमंजस भरी स्थिति थी, जहाँ एक ओर मामराज के मन में घुमंतू पाठशालाओं के परिणाम तमाम घुमंतों तक ले जाने की ललक थी, वहीं दूसरी ओर भौगोलिक और सामाजिक परिस्थितियां इसके विपरीत थीं। सारा जग सुख से बसता रस्ता टोवती चली, गोदी में लेके ला सितारा रोवती। मानचित्र पर तेजी से सिमटते हरित क्षेत्र, सभ्य समाज की संकुचित सोच, कानूनी असुरक्षा और गांव समाज की घुमंतों पर निरंतर घटती निर्भरता के चलते घुमंतों के घूमने की परिधि बेशक सिकुड़ती जा रही थी, लेकिन रोजी रोटी के संघर्ष के लिए पहाड़ों की तलहटियों में बसे गांवों में घूमना उनके लिए जरूरी था। ये नमक बेचता था, चली जावा। तो एक दिन में कितना चलते हो? केवल चला चला यहाँ 10 कोस चल जाओ, 5 कोस चल जाओ। अब के होली रे राम हमारा तो ये धंधा है मेन। अब इससे क्या है कि बच्चों का गुजारा हो जाता है, किसी के निकल जाता है, मन दोनों नाश दे देता है, किसी को खा जाता है, उसका इलाज कर देते हैं, 1,000-2,000 रुपए दे देता है। तो ये हमारा रोजगार था, आज रोजगार हमारा बंद है। सब शिकार उकार सब बंद करा दी। तुम्हारी जाति बावरियां थी ना, तो हम तो बावरिया थोड़ी छाई जंगल में रहने वाला, अब फिर हम खा जाओ। और जैसे और कोई पूंजीपति हैं सरियाम शिकार कर सकते हैं, लेकिन हम गरीब के बच्चे कहाँ शिकार करेंगे। कानून बनने के पीछे तो लोगों का हित रहता है, लोगों के हित के लिए कानून बनाया जाता है, लेकिन जो कानून बने हैं कि जैसे कि ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, इरिगेशन का एक्ट है, सोशल फॉरेस्ट्री का एक्ट है, ऐसे ये सब एक्ट से ये घुमंतू और विमुक्त जमात के जो ट्रेडिशनल राइट्स थे जीने के लिए, ओनरशिप राइट्स नहीं थे, लेकिन पहले ब्रिटिश जमाने में इनको जंगल से लकड़ी लेने के लिए कोई रोकता नहीं था। ये नदियाँ नाले जो है उसमें मच्छी पकड़ के अपना खाना बनाने में उनको कोई दिक्कत नहीं थी, कोई विरोध नहीं करता था। जंगल में शिकार करने के लिए कोई विरोध नहीं करता था। लेकिन अभी जो स्वराज्य में कानून हो गए हैं, वो कानून से उनके परंपरागत जीने के हक छीन लिए गए हैं। इसी दुविधा भरे दौर में जन्म हुआ घुमंतू विकास पंचायत का,
जिसने अरावली की तलहटी में बसे घुमंतों की जीवन दिशा ही बदल दी। इन घुमंतों के पास कुछ है ही नहीं, नहीं बोलो ना मैंने राशन कार्ड है तो उसकी कैसे सुनाई करेगी वो पंचायत। इसलिए हमने एक संगठन बनाया घुमंतों विकास पंचायत। 75% ऐसे है जिसके पास है ही नहीं कुछ, 25% पास है तो वो 25% समाज के पीछे रहेगा ना वो, तो इसलिए हमारे समाज कुछ उठ गया है ऊपर। इसलिए हम संगठन बन गए सब जात का, जैसे भोपा नट बावरिया कांजर सांसी कालवेलिया लोहार बंजारा। पाठशालाओं में पढ़े घुमंतों द्वारा बनाई गई इस घुमंतु विकास पंचायत का पहला काम था पहाड़ों में अलग थलग पड़े घुमंतुओं के डेरों को सड़कों से जोड़ना, ताकि वहां भी घुमंतु पाठशालाओं के जरिए घुमंतुओं को नागरिक अधिकारों के बारे में सचेत किया जा सके। घुमंतु विकास पंचायत ने अलवर और जयपुर जिले की पंचायतों को सहयोगी बनाकर अपने टांडों को गांवों से जोड़ने के लिए विकास प्रस्ताव दिए। घुमंतु पाठशालाओं के लिए ये नया पाठ्यक्रम था जिसमें पहली बार घुमंतु ने अपने टांडों के विकास के लिए सुझाव दिए और उन्हें कागज पर उतारना सीखा। कांपते हाथों से किए गए दस्तखत पहली बार ग्राम पंचायत के कागजों पर अपनी उपस्थिति का एहसास करा रहे थे और ये मामूली बात नहीं थी। तो प्रस्ताव कहां से कहां तक सड़क बनेगी? ये बनेगी कसूर से लगा के और बंजारी बस्ती। और कौन कहां से पैसा आएगा, कहां कहां से पैसा आएगा? ये 1,00,000। इन विकास प्रस्तावों को ग्राम पंचों व सरपंचों ने ज्यूरी के समक्ष पेश किया। और बीपीएल में जो व्यक्ति है मुख्य कार्यकर्ता, यही वह मंच भी था जहां पंचों और सरपंचों की नियत में खोट और घुमंतुओं के प्रति उनके भेदभाव का कच्चा चिट्ठा भी घुमंतु पाठशाला के घुमंतुओं ने जूरी के सामने रखा। 30% होता है उसमें क्या है, इसमें भी आबादी को तो जब करता है काम के आबादी में। समस्याओं का कभी कोई अंत तो होता ही नहीं। अभी अभी जो हमारे एक भाई ने समस्या बताई वो अब शिक्षा की समस्या है कि जिसमें हमको तरह तरह के प्रमाण पत्रों की आवश्यकता पड़ती है, उस स्तर पर जाके चिंता और कमी महसूस होती है। उससे पहले के स्तर पर जाते हैं तो हमें खाने के लिए राशन कार्ड या बीपीएल कार्ड की ज़रूरत पड़ती है, और उससे पहले जाते हैं तो हमें हमारे नाम की जमीन, हमारे नाम का पट्टा होने की जरूरत पड़ती है। ये सब एक दूसरे की मदद करके आप दूर कर रहे हैं। इनको 1,00,000 रुपए मिलते हैं ग्रेवल रोड बनाने के लिए। रोड बंजारा बस्ती पृथ्वीपुरा से गांव तक बनेगी। 7,000 रुपए दिए जाएंगे। सर्वसम्मति से स्वीकृत प्रस्तावों के तहत दुर्गम टांडों में सड़कें बनाने का काम अंजाम दिया गया। सड़कें बनाने के लिए जरूरी तकनीकी ज्ञान भी मामराज और रायमल जैसे लोगों ने अपने अनुभव से जुटाया और शुरू हुई घुमंतु पाठशालाओं की पहुंच का दायरा विस्तृत करने की मुहिम।
साला छे को कोई बीमार हो जाता है बच्चा कोई औरतें बीमार हो जाती है तो ये रोड बन गया था हमारे लिए बहुत अच्छा है। रात को भी लेके भाग जाता हूँ कोई गाड़ी कोई गई अब फोन हो गया तो कोई गाड़ी मंगवा ला यहाँ जोरा गाड़ी और गाड़ी जुचे छेड़ा गोल छेड़ी अपनी गोला ए, पूरा देश में ढोलिया रे गुड़की का गिरी गोना रे गुड़की का गिरी गोना छेड़ी चिराबो छोड़ लखन ले लो सास रे जाबो रे लखन ले लो सास रे जाबे। एक तो शिक्षा ज्यादा मिलती है यहाँ और छोटा मोटा काम भी हमारा होता है। पंचायत में जाते हैं तो मतलब पंचायत में भी हमारा नाम रहता है कि भाई के ये समुदाय से जुड़े हुए हैं। ये फायदा ये होता है साहब के हमारे मतलब जैसे पंचायत में हर कोई काम आता है तो किसी को मालूम पड़ती है किसी को नहीं पड़ती है तो यहाँ हम आते हैं तो समुदाय में मतलब सब तरह की हमको योजना का पता पड़ जाता है कि ये योजना ये से आएगी ये योजना ये से आएगी तो विषय है। मतलब हम जा कर के पंचायत में कहते हैं कि भाई क्या ये बात ये से होती है। प्रेम की गंगा बहाते चलो प्रेम की गंगा बहाते चलो जिसका ना हो कोई संग न साथी ईश्वर है रखवाला जो निर्धन है जो निर्बल है वो है प्रभु का प्यार प्रेम के मोती लुटाते चलो प्रेम की गंगा बहाते चलो ज्योत से ज्योत जगाते चलो प्रेम की गंगा बहाते चलो। शौक था क्योंकि दस्तखत कर ले अपने और कुछ नंबर नंबर पढ़ लें मोटर गाड़ी के रेल के और अपने लिख पढ़ लें कुछ इतिहास सीख लें इसलिए कुछ ज्ञान प्राप्त हो जा कुछ विद्या सागर पढ़ लें इसलिए हमको शौक है पढ़ने का। आप एक दूसरे को अपना नाम लिखना सिखाओ। नाम लिखना सीखना पड़ेगा ठीक है। तो हम आज क्या खेल खेलेंगे 2 बजे खाना खाने के बाद कि हम आपका एक इम्तिहान लेंगे कागज पे जो जितने ज्यादा नाम सही लिख देगा उसको उतने इनाम मिल जाएंगे। दो मरा दस सुखा तो भाई करा बेटा भाई जानो कौन जब दिखाई करूं तो इधर गड़ को लगाओ सही ले को लगाऊंगा तो नीपाल जगी लाया तन प्रिया प्रिया दी तिरी किरा तुमरी तुमरी इसका मुंह इधर करो इसका मुंह यहाँ करो इसकी पीठ पीठ के पीछे लगाओगे ना पूछ मीना का चेक निकाल ला इसमें मीना का ढूंढा नहीं इसे मीना का नहीं है
ये आस पास नहीं लग रहा, मीना जैसा नहीं लग रहा ये? हाँ, तो ले लो मीना बंजारा। हाँ ऐसा है ना मीना, देखो आपके नाम में दो खाट लगती है, एक इसमें थम लगा दो, फिर बाद में इसमें दिमाग लड़ा के ये आपका है, ये मीना लिखा है। हाँ ये तो मैं बताया तुमको, है जो क्या और लगे इसका, हम गोश्त नहीं लगे बिना दीवी मीना है। पैर नहीं पकड़, ये पकड़ पैर नहीं, ये छोड़ो छोड़ो, हां ये पकड़, ये ठोको कोनी बाप, ये बाल पकड़, ठोकती हूं मैं नानी, ठोको एक बार भी सीख गई, एक बार बतावा भी सीख गई, दो बार नहीं बताना पड़ा मेरे को, कर दिया ना मेरा, एक बार बड़ मोड़ बड़ो, मेरी मैडम पढ़ी लिखी है, देख कितना साफ आया आपके, बड़ी खुशी हुई मेरे को। आप और ये ताल में नहीं हो एक? घुमंतु पाठशालाओं से उभरी घुमंतु विकास पंचायत की ताकत का अंदाजा जब घुमंतु समाज को हुआ तो सदियों पुराने बड़सी के सिद्धांत को पुनर्जीवन मिला। ठेका थोड़ा इससे अलग है, अलग ये मैंने देख लिया। हाँ, थोड़ा सा मतलब हर साज का मतलब बटा लग गया है ना, अलग है ना। तो इसका मतलब ये है कि जो हम कहते हैं ना कि मिल बैठना, मीटिंग्स में आना और एक दूसरे के साथ बैठना बजाना, अलग अलग साजों के साथ अलग अलग वाद्यों के साथ प्रयोग करना, उसी से आप जुगलबंदी के लिए तैयार होते हो और एक दूसरे की कला की इज्जत करना सीखते हो। बड़सी में घुमंतों के साथ साथ ग्राम पंचायतें भी जुड़ गईं और शुरू हुआ ज्ञान के वटवृक्ष तले अनुभव बांटने का और एक दूसरे से सीखने सिखाने का दौर। कि ये चिरमी लाल से भी बहुत महंगी है, जिसको हीरा मोती पन्ना जवाहरी लाल जो पहले थे, तो इसने क्या किया था, ये चिरमी थी कि मैं लाल हूँ पर लाल तेरे से भी लाल बहुत बढ़िया हूँ मैं, तो लाल तो बहुत महंगा था साहब। जब इसका मुंह भगवान ने काला किया कि तू गर्व कर रही है अपने लाल पे, तो इसका काला मुंह किया। गाँव गुवाड़े ढोला पीपड़ी मारी पीपड़ तेरा डाला चार, मरी जाऊं चिरमी में चिरमी मारी काले जियरी कोर, तो मारे काजे की कोर है ये चिरमी। बड़सी पाठशालाओं में लोकगीत एक सशक्त शिक्षा के माध्यम के रूप में उभरे। पेड़ पे लहरा के चलिए, उस पे फिर ये गाना बनाया गया है चिरमी का, मारी मारी चिरमी काले जियरी कोर, मारी चिरमी काले जियरी कोर, मारी जाऊं चिरमी में चिरमी तो चाली मारी सास रे सा। They make, they put cordies and अनेकों राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिग्गज भी इस बड़सी बैठकों में शामिल हुए और जीवन के नए दृष्टिकोण लेकर घुमंतों के बीच पहुंचे। Yes, about you know what education might be, you know we can experiment and we used to invite people and started a small school. It is not only question of educating nomadic communities about panchayats, also educating panchayat about nomadic communities. It has to be mutual. You know, how many panchayat representatives belonging to non-nomadic communities would be sympathetic to the interests of nomadic communities? Very few. देव मारा।
घुमंतु पाठशालाओं के अनूठे अनुभवों को नई रोशनी में नए नजरिए से जानेंगे अगले भाग में। बन जा रहा सुन ले मन बन जा रहा सुन ले।